नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2017 से ही दीपोत्सव मनाया जाता है और दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या नगरी के साथ ही 24 घाटों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी दीपोत्सव कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगी। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से ये झांकियां निकली हैं। रामायण पे आधारित ये 11 झांकियां अयोध्या की सड़कों पर निकली हैं। गाजे बाजे की धुन, तमाम प्रदेशों की इसमें छाप आपको दिखेगी। तमाम लोक नृत्य हो रहा है और ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। ये दीपोत्सव का जश्न शुरू है और इस दीपोत्सव के जश्न में हर कोई शामिल होना चाह रहा है और ये अयोध्या की सड़कों का ये नजारा है। सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ पुत्रेष्ठि यज्ञ की तरफ। जो रथ निकला है पुत्रेष्ठि यज्ञ का, वो ये रथ है और ये लोग यहाँ पर हैं। ये लोग यहाँ नृत्य करते हुए चल रहे हैं और इन लोगों का अपना अवधि कला का ये नृत्य है और ये तमाम झांकियां निकली हैं। ये पुत्रेष्ठि यज्ञ की ये झांकी है। इस पुत्रेष्ठि यज्ञ यानी जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, कैसे राजा दशरथ ने कैसे यज्ञ किया था और उसके बाद इसमें दिखाया गया है। इस झांकी में पुत्रेष्ठि यज्ञ का है और ये देखिए, ये दूसरी कला, तमाम प्रदेश की छाप यहाँ आपको मिलेगी। तमाम लोग यहाँ पर हैं। किस क्षेत्र का ये नृत्य है जी? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का ढेड़िया नृत्य है। ये ढेड़िया नृत्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए आप, ये हर तरीके के आपको प्रदेश के तमाम, चाहे आपको राजस्थानी नृत्य भी मिलेगा, आपको गुजराती नृत्य मिलेगा, आपको उत्तर प्रदेश का अवधी का छाप यहाँ पर आपको दिखेगी। ये तमाम यहाँ पर खुशियां हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पधारे हैं, माता सीता के साथ अयोध्या में वनवास काटकर लौटे हैं। तो ऐसे में अयोध्या वासी बेहद गदगद हैं और उसी की एक छाप या उसी की एक तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश है जो योगी सरकार ने इस बार अयोध्या में दीपोत्सव किया है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो इस बार अयोध्या की दिवाली रामलला वाली